राजस्थान की ये दो लड़कियां सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा दिखाने लगी कि पुलिस ने इनका वीडियो देखते ही इनकी तलाश शुरू कर दी। ये लड़कियां सोशल मीडिया पर रील बनाकर अफीम का नशा करने के लिए लोगों को उकसा रही थी। इन लड़कियों ने बकायदा हाथ में अफीम लेकर अपनी रील बनाई और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। रील बनाकर नशीले पदार्थ का प्रचार करने के जुर्म में पुलिस ने इनके ऊपर NDPS का केस दर्ज कर लिया। ये वीडियो बीकानेर का बताया जा रहा है। SP तेजस्विनी गौतम के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर संज्ञान लेने के बाद पाया गया कि ये युवतियां नशीले पदार्थ अफीम का प्रचार कर रही थी। बताया जा रहा है कि उनके घर से 200 ग्राम डोडा भी बरामद हुआ है, जिसके बाद अब इन दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। अब इस मामले में एक लड़की का बयान भी सामने आया है। बीकानेर की शेरनी सोनू नाम की इंस्टा हैंडल पर जब हमने जाकर देखा तो लड़की ने बुधवार को एक स्टेटस डाला था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि उस वीडियो में तो वो है ही नहीं, उसे बदनाम किया जा रहा है। बीकानेर की शेरनी, और कल रात से मेरे को इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतना ट्रोल करा जा रहा है कि बीकानेर की शेरनी मतलब फालतू की अफवाह फैलाई जा रही है। चंद लाइक्स फॉलोवर्स के लिए मेरे नाम को गिराया जा रहा है और मेरे नाम को बदनाम किया जा रहा है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, ना मैं उसके अंदर हूँ, ठीक है। ये फालतू की अफवाह फैलानी बंद कर दो, क्योंकि फालतू की जो न्यूज फैला रहे हो इससे हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, ये जो 4-5 लाख मेरे फॉलोवर्स हैं, मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है। मैं भी एक गरीब फैमिली से हूँ, कोई अमीर फैमिली की ये मत समझना कि ऐसे वैसे, ठीक है। मैंने दिन रात एक करके मेहनत की है इंस्टाग्राम पे, बहुत घर वालों की डांट वांट सुनकर, ठीक है। और आप वीडियो वगैरह चुरा कर डाउनलोड करके और मेरे नाम से तुम फेम कमा रहे हो और मुझे बदनाम कर रहे हो, मेरे नाम को खराब कर रहे हो, तो हाथ जोड़ के विनती है प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है। और कल दिन आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो मैं भी तो किसी की बहन बेटी हूँ। अब आप वीडियो में मौजूद इस लड़की को देखिए, जिसमें वो अफीम का सेवन भी करती नजर आ रही है। और अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें लड़की कह रही है कि वो तो इस वीडियो में है ही नहीं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।